तो जैसे आप इनको वोट देंगे हम करेंगे टेंगे टेंगे और नींबू खरबूजा भी करेंगे। और जिस दिन प्रमोद भैया यहाँ से जीत के जाएंगे तो सुना लो जीत पप्पे वाला, लेकिन कम से कम 8 लाख वोट थोड़े जीते के चाहिए का, थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे 8 लाख से जीत योना हो, आला भी हो, टेंगे टेंगे हो, तो जैसे आप इनको वोट देंगे हम करेंगे टेंगे टेंगे और नींबू खरबूजा भी करेंगे। तो जिंदगी में यार हमने हमारी कमाई जानते हैं क्या है, हम दोनों भाइयों की कमाई आप सब है, हमारी संपत्ति आप है, हमारा माँ बाप भाई चाचा चाचा सब तक ही ना हो, तो बस इस गोह के हड्डी पे बस एक वादा आप करिए कि खेसरिया में जो दाते भेजेंगे ना हाथ उठा के, बस मैं भी काराकाट का नाम नहीं जानता था, गोह का नाम जानता था, लेकिन लोकसभा काराकाट क्या है मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना भाई कि पूरे हिंदुस्तान में चुनाव नहीं हो रहा है, सिर्फ काराकाट में हो रहा है, पूरे यूट्यूब से लेके गूगल से लेके न्यूज से लेके सिर्फ काराकाट बिहार में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में फैला हुआ है। एक पवन सिंह के आने से काराकाट काराकाट नहीं रहा, ये विधानसभा हो गया है भाई। भैया हम इतने कहो कि ये जो जाति पाति फैलाते हैं इससे कुछ हासिल नहीं होगा, ये जात पात करके किसी को भोजन नहीं मिलने वाला है। भैया मेरे दिल में एक अरमान है कि काराकाट लोकसभा से एक ही साल निकले जो दुनिया में गूंजे, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। भैया हो बस अपने भाई के अपने बेटा के आशीर्वाद दे जा, इतना वादा करता हूं जीता जागता भगवान हम सबके सामने दिख रहे हैं, यहां ना कोई झूठा बात बोलेगा और ना ही झूठा बात कोई सुनेगा, इतना जरूर भरोसा रखिएगा कि आप सबके खुशी के लिए अगर इस पवन को जान भी देना होगा ना तो ये लड़का खुशी। बस भैया आशीर्वाद के रूप में अपने बेटा के आशीर्वाद दे जा, हमको आप अगर विजयी बनाते हैं तो मैं पढ़ाई और दवाई ये ऐसा व्यवस्था होगा कि किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, हमारे काराकाट लोकसभा में जो भी समस्याएं हैं, जो भी तकलीफ है, जो भी दुख दर्द है, उसका निदान ये आपका भाई और ये आपका बेटा करेगा, ये मेरा वादा है। बस भैया जहां तक पवनवा की आवाज जाता बस अपने दिल पर हाथ रख के सूर्य भगवान के साक्षी मान के चारों तरफ से हाथ उठा के बोल दो जा, कैची छाप, कैची छाप, कैची छाप।